हेलो बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी की कक्षा में नई वसुधा में पाठ 10 ए की मात्रा के बारे में जानेंगे। पहले हमने उ और ऊ की मात्रा के बारे में जाना था। आज हम पाठ 10 ए की मात्रा के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, हम ए की मात्रा के बारे में जानेंगे, उसका उच्चारण कैसे होता है और ये कहाँ लगाई जाती है। तो ए की मात्रा का जो उच्चारण है वो धीरे स्वर में और कम समय के लिए होता है, है ना? धीरे स्वर में और कम समय के लिए होता है और ये वर्ण के ऊपर लगाई जाती है। कहाँ लगाई जाती है? वर्ण के ऊपर लगाई जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे उदाहरण दिया है आपका, पढ़ो और समझो। इसमें है आपके, देखो, ख। ख पे जब हमने कोई भी मात्रा नहीं लगाई तो उसमें जो उसका उच्चारण है वो कैसे हुआ? ख। ऐसे ही जैसे ही हमने ख के ऊपर एक ही मात्रा लगाई तो उसका उच्चारण कैसा हो गया? खे। तो हमें मात्राओं के उच्चारण पर बहुत ध्यान देना है। जैसे ही ख और मात्रा लग गई तो खे, और हमने उससे शब्द बनाया खे, और जब हमने उसमें ला जोड़ा तो बन गया खेल। तो क्या हुआ? सबसे पहले हमने क्या लिया? ख। उसमें हमने ए की मात्रा लगाई खे, फिर हमने उससे क्या किया? शब्द बनाया तो बन गया खेल। ऐसे ही मैंने यहाँ व्यंजन लिए हैं और उसपे मात्रा लगाई है, तो हम ऐसे पढ़ते हैं, उसको देखते हैं। ज, जाके ऊपर जब हमने ए की मात्रा लगाई तो बना जे, और ऐसे ही जे में हमने जब मात्रा लगाई ल जोड़ा तो बन गया जेल। ऐसे ही ठ, ठ में जब हमने ए की मात्रा लगाई तो बना ठे और ठेल। त, ते, ते में जब हमने ल जोड़ा तो बन गया तेल। ब, ब में हमने ए की मात्रा लगाई तो बना बे और बे। फिर र, र में जब हमने ए की मात्रा लगाई तो रे, और फिर उससे जो शब्द बना वो क्या बना? रे। म, मे, और मे में जब हमने ल जोड़ा तो बन गया मेल। तो ये थी हमारी ए की मात्रा के शब्द, यानी हमने उसमें पहले क्या किया? मात्रा लगानी सीखी और उसपे फिर क्या किया? शब्द बनाए। जैसे जोड़कर शब्द बनाना, हम जोड़कर कैसे शब्द बनाएंगे ए के, वो देखते हैं। देखो, श, हमने लिया श, उसमें हमने जोड़ा ए की मात्रा, फिर हमने जोड़ा उसमें र, है ना? तो क्या बन गया हमारा? शेर। जैसे फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, श, स प्लस ए की मात्रा प्लस र की मात्रा प्लस क्या हुआ? फिर क्या बन गया हमारा शब्द? शेर। ऐसे ही प, प में जब हमने ए की मात्रा जोड़ी तो बन गया पे, फिर हमने उसमें क्या जोड़ा? ड, तो क्या बन गया? पेड़। तो ऐसे ही र, र में जब हमने ए की मात्रा जोड़ी तो क्या बन गया? रे, और फिर हमने उसमें ल जोड़ दिया तो क्या बन गया? रे। ऐसे ही हम और भी शब्द पढ़ेंगे, आपकी बुक में है पेज नंबर, देखो 45 में, उसमें आपके ये शब्द हैं, जोड़कर लिखो। ऐसे ही हमने जोड़ा बा, बा में जब हमने एक ही मात्रा जोड़ी तो बन गया बे, फिर हमने उसमें जोड़ा र तो बन गया बे। ऐसे ही बे में एक स, न, ये तीन अक्षर वाले शब्द हैं। देखो, बा, बा में जब एक ही मात्रा जोड़ी, फिर हमने उसमें सा जोड़ा, फिर ना जोड़ा, तो हम कैसे पढ़ेंगे इसको? बे सन। और ऐसे ही रा में जब हमने एक ही मात्रा लगाई तो बन गया रे, फिर श, फिर म, रेशम। ऐसे ही बा में एक ही मात्रा जोड़ी, फिर ला जोड़ा, फिर ना, तो क्या बन गया? बेलन। और ऐसे ही का, का में जब हमने एक ही मात्रा लगाई के, फिर हमने श, फिर हमने जोड़ा वा, तो क्या बन गया? केशव। तो क्या ये थे हमारे जोड़कर शब्द बनाना।
जोड़कर शब्द बनाना आएगा, हम उसका उच्चारण करेंगे, उसको बोलेंगे तो हमें वो समझ में आ जाएगा। ऐसे ही हम एक ही मात्रा के कुछ शब्द पढ़ते हैं, जैसे शेर, बेर, सेब, जेब, केला, मेला, ठेला, खेला, सवेरा, बसेरा, ठटेरा, सपेरा, सहेली, पहेली, चमेली, बरेली। तो ये क्या थे हमारे? एक ही मात्रा के शब्द। तो ये हम जब जैसे जैसे इसका उच्चारण करेंगे, बार बार हम इसका दोहरान करेंगे, तो हमें क्या आएगा, एक ही मात्रा पढ़नी आ जाएगी और हमें अच्छे से फिर मात्राओं का उच्चारण होने लग जाएगा। है, हम जैसा बोलेंगे वैसा ही लिखेंगे। ये मैं हर बार हर वीडियो में बोलती हूँ, क्योंकि हम जो बोलते हैं वही लिखते हैं। कि अगर हम गलत उच्चारण करेंगे तो हम कॉपी में भी क्या करेंगे, गलत लिख देंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए हमें बोलना भी सही है ताकि हम अच्छे से सही लिख सकें। तो अब है आपका, देखो यहाँ पे एक पाठ भी है जिसमें एक ही मात्रा लगी हुई है। जैसे पाठ का नाम है आपका मेला। हेमा और देवेश सवेरे से ही खुश थे, आज से वे अपना पापा के साथ मेला देखने जाने वाले थे। तो सब लोग मेला देखने जाते हैं, आपको पता है ना मेले में क्या क्या होता है। मेले में झूला होता है ना, बहुत सारे खिलौने होते हैं और मिठाइयां होती हैं, बहुत सारी दुकानें लगी हुई होती हैं तरह तरह चीजों की वहां पे। तो उसे हम क्या कहते हैं, मेला कहते हैं। तो वही आपका ये पाठ है, इसमें जो देवेश और हेमा है वो अपने पापा के साथ कहाँ जाते हैं, मेले में देखने जाते हैं। हमें क्या बात ध्यान रखनी है, मेले में जब हम जाते हैं तो हमें अपने पापा मम्मी के साथ ही रहना चाहिए, क्योंकि हम अपने पापा मम्मी के साथ ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम खो गए तो फिर हम हमारे पापा मम्मी हमको नहीं मिलेंगे। तो ये बात हमें ध्यान रखना चाहिए, हम कहीं भी जाएं, घूमने जाएं, अपने पापा मम्मी के साथ हमें रहना चाहिए। तो ये था आपका पाठ मेला। फिर है आपका, इसमें एक कविता दी हुई है, कविता गाओ, है ना। ये देखो रेलगाड़ी वाली, क्या है, रेलगाड़ी मेरा नाम। सब बच्चों ने रेलगाड़ी देखी होगी, है ना। हम जब अपने घर, नानी के घर या अपनी दादी के घर या कहीं हम घूमने जाते हैं बाहर, तो हम कहाँ जाते हैं, रेलगाड़ी में। कोई कोई बस से भी जाता है, लेकिन रेलगाड़ी से भी जाते हैं। तो रेलगाड़ी मेरा नाम, चुप चुप चलना मेरा काम, दूर दूर तक सफर कराती, आगे आगे चलती जाती, नेहा रेखा केतन आओ, खाते पीते मजे उड़ाओ। तो ये क्या थी हमारी, रेलगाड़ी वाली कविता। तो ये था हमारी एक ही मात्रा का पाठ। सबको समझ में आया होगा, एक बार फिर से मैं बता रही हूँ, एक ही मात्रा का उच्चारण जो है धीरे स्वर में और कम समय के लिए होता है। तो ये हमें जरूर ध्यान रखना है। और एक ही मात्रा जहाँ कहाँ लगाते हैं, वर्ण के ऊपर लगाते हैं, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। ये हमें बहुत ध्यान रखना है, एक ही मात्रा का उच्चारण और ये कहाँ लगाई जाती है। ये था एक ही मात्रा का आपका पाठ। ओके, बाय।